सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस किचन। कैसे हैं आप लोग? सॉरी आज थोड़ा गला ठीक नहीं है। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट चने। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए। ये मैंने आधा किलो के अराउंड काले चने उबाल लिए हैं और उसका पानी थोड़ा सा इसके अंदर रहने दिया। पूरा पानी जो है मैंने निकाला नहीं है। ये लाल मिर्च, धनिया, आमचूर, हींग और ये चना मसाला, नमक, कसूरी मेथी और जीरा। ये प्याज जो है मैंने रफली एक जो है वो चॉप कर लिया था, रफली चॉप किया है। दो हरी मिर्च, हरा लहसुन और ये रही अदरक। और इधर मैंने कढ़ाई में एक टेबलस्पून जो है ऑयल गरम होना रख दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, क्योंकि चने बन रहे हैं और वैसे भी मैं मोस्टली डिशेज जो होती हैं इस तरह की मैं उसमें हींग डालती हूँ। ये हींग डाल दी और जब तक हींग भूनती है और इसके साथ साथ ही तो इसके साथ ही मैंने अब ये डाला हुआ है हींग। अब हमारी जो है ये देखिए भून रही है, हल्की सी लाल और हो जाए तो ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत वाला काम नहीं है, फटाफट ही ये बन जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी और मेरे को इसमें जो है ये मसाला जो है मुझे भूनना नहीं है। ये नहीं कि मेरे को ये मसाला लाल करना है, बस ये है कि मसाले का कच्चापन चला जाए। बस ये मैंने रफली चॉप किया, कोई लंबा काट दिया, कोई कैसे काट दिया। चेंज ऑफ वेदर है, गला थोड़ा खराब है। ये देखिए ये जब तक हो रहा है साथ के साथ मैं इसमें ये हरा प्याज और ये अदरक जो मैंने ग्रेट की हुई है वो डाल दूंगी। अगर आपको अदरक नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप मत डालिएगा। ऐसी ग्रेट की हुई है तो ऐसे कोई मुंह में आती नहीं है, बारीक करती हूँ तब तो फिर भी अटे, जूलियंस कटे हुए हैं तो फिर भी आ जाते हैं। देखिए बस ये हल्का सा ट्रांसफी हो जाए तो बस इसके अंदर मैं बाकी सूखे मसाले भी डाल दूंगी। बट अभी जो है ये कसूरी मेथी और जीरा डाल दूंगी ताकि ये भी इसके साथ जरा कसूरी मेथी भी हो जाए और जीरा भी थोड़ा भून जाए, क्योंकि मेरे को ये मसाले को लाल नहीं करना, बस प्याज का कच्चापन ही दूर करना, वो कुछ भी नहीं है। अभी देखिए प्याज जो है ट्रांसफी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी ये धनिया जो कि एक टेबलस्पून के अराउंड है। ये हो गया आमचूर, ये मैं डाल रही हूँ एक दो टू एंड हाफ चम्मच। ये हो गया नमक, क्योंकि मैंने उबालते टाइम नमक नहीं डाला था तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और ये आप नमक वगैरह जो है हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें चना मसाला भी डालना है। ये डेढ़ चम्मच जो है चना मसाला है। ये लाल मिर्च ये भी हो गई, अब इसको अच्छे से एक बार ही मिक्स कर लेंगे। हल्दी नहीं डालनी इसमें हमको, बस इसी तरह से इसको मिक्स कर लिया। और अब मैं इसके अंदर ये चने डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। पानी मैंने नहीं निकाला था क्योंकि हमको अभी इसके अंदर मसाले के अंदर भी चने को पकाना है, तो इसलिए मैंने सारा पानी नहीं निकाला, थोड़ा इसके अंदर रहने दिया था क्योंकि मेरे को और ऊपर से मैं पानी डालना नहीं चाहती थी इसमें कि मैं ऊपर से और पानी डालूं, तो मैंने इसी में ही इसको बनने दिया है। और अब इसको क्या करेंगे, अभी फ्लेम हमारी तेज है, चने भी गर्म थे तो इसको बॉयल जल्दी से आ जाएगा। इस तरह से इसको रख के और अभी मैं इस लिड दे के इसको और फ्लेम को मैं सिम कर दूंगी, यानी कि लो फ्लेम कर दूंगी और इसी तरह से इसको 5 मिनट तक इसी में बनने देंगे और फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है। चने को 5-7 मिनट हो गए हैं, अब खोल के देखते हैं। ये देखिए इस तरह से के अच्छे से मसाले में ये मिक्स हो गए और इसके अंदर मसाला चला भी गया है। तो अब मैशर से हल्के हाथों से हम इस चने को थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि थोड़े से मिक्स हो जाए। ये चने बहुत इजी है बनाने, कभी भी आपका मन नहीं है तड़का वगैरह बनाने का तो चलो जी अदरक लहसुन और अपना प्याज काटे, चलो जी छोले बन गए। कभी मन नहीं है कुछ इस तरह का तड़का वगैरह बनाने का बस, और ये फटाफट जैसे इंस्टेंट आपको लग रहा है कि गेस्ट आ रहे हैं
और चलो छोले उबले हुए हैं तो चलो ये बना लेते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं आएगी और बनते भी टेस्टी है। हल्का सा और कर लेते हैं, देखिए इसलिए मैंने पानी रहने दिया था इसमें, क्योंकि ये छोले ऐसे अगर मैं बना के रख भी दूंगी तो ये थोड़े से थिक हो जाएंगे। तो अब ये देखिए थिक भी हैं और छोले नजर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि भी ये जो है बिल्कुल ही हलवा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया, अब हमारे छोले जो है रेडी है। क्या करूंगी इसमें, ये मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगी, ये दो है हरी मिर्च, ये हो गया, और ये एक चम्मच भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया, और ये रहा हरा धनिया, बस इस तरह से ये डाल दिया। और हमारे जो है ये चने जो है व्हाइट चने एकदम रेडी हो गए, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और बस इसको अब मैं ढक्कन दे दूंगी और गैस को कर दूंगी बंद, और इसको इसी तरह से 5 मिनट पड़ा रहने दूंगी ताकि जो गरम मसाला हरा धनिया वगैरह डाला सबका अरोमा अच्छे से चने में आ जाए। और आप मुझे बताइएगा अगर आपने ट्राई किए तो ये कैसे बने और आपको कैसे लगे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।